गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, जो कि आपके 307 सब्जेक्ट का चैप्टर 2 है। प्रीवियस 5 to 6 वीडियोस में हमने ओपैम्प्स के बेसिक्स समझने की कोशिश की, ओपैम्प्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ा और उसके वेरियस एप्लीकेशंस देखी, नॉन इन्वर्टिंग टाइप, इन्वर्टिंग टाइप और कुछ एग्जाम्पल से समझा। आज हम पढ़ रहे जा रहे हैं ओपैम्प एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जैसा कि हम जानते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग एक इन्वर्टिंग, और जनरल इक्वेशन के हिसाब से आउटपुट वी आउट होता है V1 माइनस V2 इंटू उसका गेन। कहने का मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट इंटू इसका गेन इज इक्वल टू आउटपुट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर या सब्सट्रैक्टर कह सकते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन जो होता है ओपन लूप गेन, वो इनफाइनाइट होता है, और अगर प्रैक्टिकल केसेस में देखा जाए तो 10^5 या 10^6 काफ़ी हाई होता है। तो गेन हाई होने की वजह से क्या होता है, ये बार बार ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में सैचुरेट हो जाता है, जैसे कि प्लस वी या माइनस वी। तो हम चाहते हैं इसका गेन कंट्रोल करना, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव फीडबैक या फीडबैक प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हम इसका गेन कंट्रोल कर सकें बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ RF एंड R1। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में हमने देखा कि इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में माइनस साइन वाले टर्मिनल पे इनपुट दिया जाता है, और नॉन इन्वर्टिंग में प्लस साइन वाले टर्मिनल पे इनपुट दिया जाता है, जैसा कि आप दोनों डायग्राम में देख सकते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो सर्किट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला सर्किट प्लस दूसरा सर्किट, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये तीसरा सर्किट मिल जाएगा हमें, जो कि होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट होगा जिसमें वोल्टेज V1 नेगेटिव टर्मिनल पे है, V2 पॉजिटिव टर्मिनल पे, R1 और R2 R2 फीडबैक रेजिस्टेंस है, R1 इनपुट रेजिस्टेंस है। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमको डिफरेंशियल एम्पलीफायर मिलता है। R1 R2 को अगर हम वेरी कर सकें या वेरी करके इसके गेन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब इसमें दो इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट वोल्टेज है। अब हम चाहते हैं कि इसका आउटपुट निकालना, तो इसका आउटपुट दो इनपुट टर्मिनल्स के साथ एक साथ नहीं निकल सकता, इसलिए हम इसको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको पता है, जैसे कि एक टर्मिनल एक वोल्टेज सोर्स एक बार मिलेंगे, दूसरा वोल्टेज सोर्स दूसरी बार मिलेंगे, और जब एक वोल्टेज सोर्स लेंगे तो दूसरे को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो हम पहले V1 वोल्टेज सोर्स ट्रीट कर दें और V2 को रिप्लेस कर देते हैं, V2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, मतलब दूसरे वाले वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो ट्रीट करते हैं और पहले वाले वोल्टेज सोर्स को लेते हैं और उसके हिसाब से आउटपुट निकालते हैं। तो हमारा आ जाएगा आउटपुट V0 इज इक्वल टू माइनस RF/R1 इंटू V1। ये इन्वर्टिंग का आउटपुट होता है। इसी तरह से जब हम V2 को ट्रीट करेंगे और V1 को ज़ीरो कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगा 1+RF/R1 या 1+R2/R1 इंटू V2। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम, तो आ जाएगा आउटपुट, फाइनल आउटपुट V0। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, V0 इज इक्वल टू जो एक वोल्टेज सोर्स ट्रीट करते हैं, फिर दूसरा वोल्टेज सोर्स ट्रीट करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल वोल्टेज आ जाती है। तो V0 इज इक्वल टू V0 इन्वर्टिंग प्लस V0 नॉन इन्वर्टिंग। अब वो कुछ इस तरह की इक्वेशन आती है हमारे पास, -R2/R1 इंटू V1 प्लस 1+R2/R1 इंटू V2। ये एक इन्वर्टिंग का है, ये नॉन इन्वर्टिंग का आपको इक्वेशन मिली है, दोनों को ऐड कर दिया हमने। बट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो आउटपुट कुछ इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट की इक्वेशन ये होती है K × V2 − V1, जो K होता है आपका गेन होता है। तो कुछ इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे -R2/R1 इंटू V1 प्लस 1+R2/R1 इंटू V2 है। तो 1+R2/R1 इस टर्म को हम कुछ इस तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं कि R2/R1 के टर्म्स में आ जाए, ताकि एक -R2/R1 है तो
इसके डिफरेंस में V2 माइनस V1 आ जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरेबल हो जाएगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसका LCM ले लेते हैं, तो आ जाएगा R1 plus R2 upon R1, और एक फैक्टर होता है R2 upon R1 plus R2, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा जब हम वोल्टेज डिवाइड इक्वेशन इसमें इम्प्लॉय करने की कोशिश करेंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर इक्वेशन लगाने के लिए हमने क्या किया, आर यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स V2 के बाद VA मान लिया, और यहाँ पे R1 और R2 दो रेजिस्टेंसेस अलग से लगा दिए, इसमें R2 को ग्राउंड कर दिया, R1 के अक्रॉस V2 दे दिया। अब क्या करेंगे हम, जैसे R2 के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालनी है तो वोल्टेज डिवाइडर इक्वेशन लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 plus R2 upon R1 plus R2 टोटल इंटू जो उसकी वोल्टेज है V2 इज इक्वल टू वोल्टेज ए पॉइंट पे वोल्टेज VA आ जाएगा। अब VA पता लग गया हमको, आउटपुट वोल्टेज अगर हम V2 के कारण देखना चाहें तो क्या आ जाएगा, V0 इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 plus R2 by R1 इंटू VA, जो VA हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली है इसको पुटअप कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 plus R2 upon R1 LCM ले लिया इंटू R2 upon R1 plus R2 इंटू V2। अब ये R1 plus R2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, और R2 upon R1 इंटू V2 रह जाएगा V0। अब हमने देखा था कि टोटल V0 इज इक्वल टू V इनवर्टिंग प्लस V नॉन इनवर्टिंग, तो टोटल आ जाएगा V इनवर्टिंग प्लस V नॉन इनवर्टिंग, तो V0 क्या हो गया, माइनस R2 by R1 जो पहले निकला था इंटू V1 प्लस R2 by R1 इंटू V2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 इंटू R2 by R1, ये इज समवॉट सिमिलर टू कॉन्स्टेंट, जो कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरेबल है। R1 और R2 की वैल्यूज़ को वेरी करवा के हम इसका गेन चेंज करवा सकते हैं। तो ये ऑप एम्प एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा, ये बेसिक है इसका कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह ऑप एम्प कैसे काम करता है। हमने देख लिया, सुपरपोजिशन थ्योरम डिप्लॉय किया, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को कम्बाइन करने पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनता है, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे और दोनों वोल्टेजेस निकालेंगे, दोनों वोल्टेजेस को ऐड करेंगे तो हमारे फाइनल वोल्टेज आएगी। अब फाइनल वोल्टेज को स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, R1 plus R2 वोल्टेज डिवाइडर एक रेजिस्टर लगा दिया, अब उसके अक्रॉस हमने वोल्टेज निकाल ली, और उसके जिस मतलब V2 जो कि पॉजिटिव मतलब आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो निकाल ली, और उसके बाद हमने नॉन इन्वर्टिंग प्लस इन्वर्टिंग इज इक्वल टू टोटल ये कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई V2 minus V1 इंटू R2 upon R1। R2 upon R1 इज समवॉट सिमिलर टू गेन K, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में होता है। तो ये था ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर या सब्सट्रैक्टर। दिस इज़ ऑल, नेक्स्ट क्लास में कोई और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।